90 लाख हमारे मिसिंग है। 2000 से 2019 कितने? 90 लाख। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फीमेल फीटरसाइड। मालूम हुआ बच्ची आउट, समझे ना? कितने हैं? 90 लाख। ये गवर्नमेंट का फिगर है। 2000 से 2019 तक 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। अब आप हमको बताइए, 86.7% है ये। इस पर आप क्यों नहीं बोलते मोहन भगवत साहब? आप बोलिए ना इस पर। अब बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोलते, सुनो हम क्या बोलते। आपको मालूम जश्न रहमतुल्लाह अलैमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि जब बेटी आती तो बाप उठकर उसका इस्तकबाल करता है। शहजादी जन्नत तशरीफ लाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर तुम घर में कोई तोहफा लाओगे, और सुनो आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, अगर तुम कोई घर में केक लेकर आए और तुम्हारी 2-3 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं और एक बेटा है जैसा मेरे को है, तो जब केक बांटोगे तो पहले बेटियों से आखिर में बेटा। ये कौन सिखाए? हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों से अच्छा बर्ताव किया, जिसने बल्कि 3 का जिक्र हदीस में, आखा ने फरमाया कि जो उनको अच्छा पढ़ाएगा, तालीम याफ्ता बनाएगा, नेक बनाएगा, उनकी शादी करेगा, तो आखा ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ उंगलियां बताकर कितना करीब रहेगा मेरे साथ। अब कुरान क्या बोलता है? भगवत साहब आपको दावत दे रहा हूं मैं कुरान की, आप पढ़ लो सूरह इसरा चैप्टर 17 वर्स 31। अल्लाह फरमा रहा है कि अपनी औलाद को इसलिए मत मारो उनको कि तुम उनको खाना नहीं खिला सकते, हम उनको रोजी देंगे। और उनको मारना बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह कुरान में कह रहा है। मोहन भगवत साहब आप बोलो इस बारे में।